दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले दिनों एक सिख पिता पुत्र से पुलिस ने बीच सड़क पर बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया था, जिसके चलते यहां देश भर में लोगों में दिल्ली पुलिस के खिलाफ रोष है, जिसके चलते होशियारपुर के मुकेरिया में सिख संगठनों और शहर की संस्थाओं द्वारा दिल्ली पुलिस के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। दिल्ली पुलिस का पुतला फूका और सरकार से मांग की है कि दोषी पुलिस कर्मचारी पर बनती कार्रवाई की जाए। मैं कमल खोसला, प्रेसिडेंट डॉक्टर बी आर अंबेडकर वेलफेयर मिशन पंजाब मुकेरिया तो सारे हिंदुस्तान निवासियों को दसना चाहना कि बीते दिनी दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने की पुलिस वालों सिख भाईचारे के दो प्यो पुत्र जेड़े के मेहनत मजदूरी करके टेंपू चला के अपना गुजारा करते सी, उन्हां कोलों पुलिस ने 2000 रुपया रिश्वत मंगी ते जदों उन्होंने इस गल का विरोध किया ते बड़े ही वैश्याना ढंग नाल उन्हां प्यो पुत्र की कुटमार की गई, जेड़ी के मैं समझदा दिल्ली सरकार वास्ते, दिल्ली दरबार वास्ते और दिल्ली पुलिस वास्ते बड़ी शर्म की गल है। मैं अपने वीरां नूं बेनती करांगा कि हमेशा तो लैके एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के उपर लगातार भारत के विच तशद्दुद हो रहा, लगातार जुलम हो रहा, ये चीज़ा जिहड़ियां इह कदे भी सहन नहीं कीतियां जाणगियां। अज दी जिहड़ी इह विरोध है उहदे तहत मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि पंजाब निवासियां नूं सिख भाईचारे नूं 84 दे दंगे जेड़े इस पुलिस ने दोबारा याद करा दिते आ, असी बड़े इस गल नूं कड़ी इस गल दी निखेधी करदे आ कि दिल्ली पुलिस दे जेड़े मुलाजम जिन्हां ने तशद्दुद कीता उत्थे दे डीएसपी और उत्थे दे आईजी डीआईजी सारे ही लोग जेड़े कसूरवार है, जिन्हां दी शह ते इह हादसा होया उन्हां नूं सस्पेंड कीता जाए, मुअत्तल कीता जाए, दिल्ली सरकार जिहड़ी आ इस विषय ते अपनी चुप्पी तोड़े। एंस्टा न्यूज़ के लिए मुकेरियां से जॉनी गेरा की रिपोर्ट।